पत्नियों को व्यास गादि धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है, तुम्हारी जिंदगी स्वर्ग जैसी जिंदगी। और क्या चाहिए, सत्संग मिलता है, प्रेम से रहते हो, घर भी सुंदर बनता चला जा रहा है, उन्नति भी हो रही है, गुरुदेव की भक्ति भी बढ़ रही है, यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है, बेटा प्रेम से बोलता है, बहू प्रेम से बात करती है, सास ससुर का प्रेम मिलता है, गुरु की कृपा है, सुबह शाम सत्संग की आवाज अपने घर में गूंजती रहती है, भजन कीर्तन बजते रहते हैं साउंड में, तो समझ लो तुम्हारा घर ही मथुरा है, वृंदावन है, घर ही अयोध्या और काशी है, और घर ही हरिद्वार है। हमेशा खुश रहा करो, ये गुरु जी की बातों को ध्यान में भी रखा करो। साहेब बंदगी बोलिए एक बार, ये बंदगी मानी नहीं जाएगी, क्योंकि गुनमन गुनमन बोल रहे हो। प्रेम से बोलो, अंजलि बांध कर कहो साहेब बंदगी। तुम प्रेम के सागर हो, अपने परिवार से भी प्रेम करना, तुम ही छोटे बन जाना, गम खा लेना, बड़े होने का अहंकार न रखना, परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम की डोरी में बांध कर रखना, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां कलह कलेश का अंत हो जाता है। जब बहुत लंबा परिवार हो जाए, आपको ऐसा लगने लग जाए कि अब फैमिली के सदस्यों की ट्रेन बहुत लंबी हो चुकी है, तो धीरे से प्रेम से उनका सबका बंटवारा भी कर देना, डिवाइडेशन कर देना, ताकि अपनी अपनी फैमिली को सब संभाल ले। चार पांच पीढ़ियां जिस फैमिली में है, उस फैमिली में फिर विकास की शिथिलता आने लग जाती है, बहुत से सदस्य फिर लापरवाही करने लग जाते हैं, फिर उनको अलग अलग जिम्मेदारियां दीजिए और सबको अपने अपने क्षेत्र का मालिक बनाइए। लेकिन याद रखना, धन बांट लो पर मन मत बांटो, सामान बांट लो एक दूसरे का सम्मान मत बांटो। और यदि चाहते हो कि हमारे घर में सुमत रहे और प्रेम रहे, इसके लिए सत्संग रोज सुनो। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं रोज सत्संग सुनते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बता दें, दोनों हाथ उठाइए जो रोज सत्संग सुनते हैं। वेरी गुड, नीचे कर। जैसे शरीर के लिए रोज भोजन जरूरी है, ऐसे आत्म शांति के लिए रोज सत्संग जरूरी है। ये सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। पांच चीजें सत्संग से प्राप्त होती हैं, रामायण में तुलसीदास ने लिखा है, मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानहु सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आनु पाऊ। मति यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी सुमति, ये सत्संग से मिलती है। जिनको बहुत क्रोध आता था, सत्संग सुनते सुनते अब उनको करुणा आने लगी है। जिनके अंदर बहुत गुस्सा भरी रहती थी,
लोग कहते थे इनके नाक के ऊपरी सिरे पर ही गुस्सा धरी रहती है। सारी गुस्सा को उन्होंने विदा कर दिया। बड़ी सहन शक्ति आ गई। अब लोग कहने लगे हैं कि अब काफी चेंज हो गए। जिनके अंदर पहले बहुत लालच रहता था, छोटी छोटी चीजों का लालच, अब बहुत बड़ा त्याग आ गया है। कल मैं मदन जी के यहां पधरौनी गया था तो मदन जी कह रहे थे, खड़े हो मदन, ये मदन माली है, 6 भाई है, बड़ा जॉइंट परिवार अच्छा था। मुझसे बोले, गुरुदेव उज्जैन आश्रम बनाने के लिए 1 बीघा जमीन दान दूंगा, आप बोल दो ना। 1 बीघा जमीन डॉक्टर कमलेश चौहान ने कहा कि मैं भी 1 बीघा दूंगा। कल उनके घर भी पधरौनी गया था, उनका परिवार बड़ा आज्ञाकारी है, उनका 1 चांदी का गिलास दिया था, उसी गिलास में आज पानी पी रहा हूँ। मैं सोचता हूँ आज फिर बुलावे पधरौनी तो आज कटोरी दे दे चांदी का। बहुत बड़े डॉक्टर थे आप, जिले के डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, नौकरी से त्याग पत्र दे दिया, बिजनेस करते हैं, प्रेम से रहते हैं, बैठिए, श्रद्धा बहुत। गोपाल विश्वकर्मा की भी इच्छा है कि 1 बीघा जमीन उज्जैन में खरीद कर दूंगा और उज्जैन आश्रम में सभी को अपना आश्रम समझ करके उसके लिए त्याग करना है, अधिक से अधिक दान देना है। हरिद्वार में कुंभ मेला हो रहा है, ज्यादा दे सको तो अच्छा है, ना ज्यादा दे सको कम से कम 10-10 किलो गेहूं और 100-100 रुपये हरिद्वार कुंभ के लिए दान करना, ये बूंद बूंद से भी घड़ा भर जाएगा। दस अप्रैल से 27 अप्रैल तक आपका कैंप लगेगा, उस कैंप में लगभग 6 से 10 लाख श्रद्धालुओं के भंडारा की व्यवस्था होगी, निःशुल्क भंडारा चलेगा, कोई प्रवेश पत्र का भी शुल्क नहीं रहेगा और 5-6 लाख तीर्थयात्री वहां रात्रि विश्राम करेंगे अपने कैंप में 18 दिनों में। मध्य प्रदेश वालों से भी कहूँगा, जब आना अपना कैंप ढूंढ लेना और निश्चिंत वहीं आकर सो जाना, भूख लगे तब खा लेना और वहीं सेवा करना और गंगा में डुबकी लगाना, लेकिन डूब न जाना, निकल के बाहर आना। एक तरफ गंगा जी वहां प्रवाहित होंगी, दूसरी तरफ आपके कैंप में घनघोर सत्संग की गंगा बहती रहेगी। वहां जोरदार सत्संग में करूंगा, ऐसे ही करूंगा जैसे बड़वन में कर रहा हूं। और तुम सब मेरे लिए शुभकामना करो कि गुरुदेव बीमार ना हो और गुरुदेव जल्दी बूढ़े ना हो, ये शुभकामना करो। करोगे कि नहीं? सत्संग से मति और कीर्ति और सदगति, मत कीरत गत भूत भलाई। भूत कहते हैं धन की उन्नति और भलाई सज्जनता को कहते हैं, सभ्यता शालीनता सज्जनता, ये सत्संग से आती है। सत्संग इंसान को महान बना देता है और भक्ति भक्त को भगवान बना देती है। ध्रुव भक्त थे ना, ध्रुव को लोग भगवान कहने लगे,
हनुमान जी की पूजा भगवान जैसे होने लगी। हनुमान राम के भक्त थे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की हद कर दे, भगवान की पूजा कर, लेकिन तेरी भक्ति से प्रभावित होकर ये दुनिया तेरी भी पूजा शुरू कर दे, तेरी भी पूजा शुरू कर दे, ऐसी भक्ति कर। सुबह सुबह इष्ट गुरुदेव का थोड़ा ध्यान किया करो। इस संसार की माया की दौड़ में इतना परेशान मत हुआ करो, थोड़ा टाइम निकालो। शाम को सोने से पहले भी 5 मिनट बैठकर ध्यान करो, फिर लेटे लेटे ध्यान करके सो जाओ। भोजन बनाते समय भी प्रवचन सुना करो। उत्तर प्रदेश का एक भक्त कहता था कि मोबाइल कमर में बांध लेता हूं और खेत में काम करता हूं, सब्जी तोड़ता हूं, मैं और मेरी माँ और मेरे पिता प्रवचन सुनते रहते और काम करते रहते। बोले आप जब जोर से ठहाका मारकर हंसते हो तो हम सब काम रोक कर हंस लेते हैं, फिर काम शुरू करते हैं। मैं किसी की नकल कभी नहीं किया कि दूसरा महात्मा हंसता है कि रोता है, हमसे मतलब नहीं। दूसरा कथाकार कैसे कथा कहता है इससे भी हम मतलब नहीं रखते। हम अपने संस्कारों में रहते हैं और सहज रूप से जब हंसी आ जाती तो हंस देते हैं, और मेरे हंसने से करोड़ों लोग हंस लेते हैं जिनको बहुत बड़ी टेंशन थी, महीनों से हंसे नहीं थे, न जाने कहां कहां फंसे थे, वो भी सब जाल से छूट जाते हैं। अब गुरु की हंसी के साथ में हंस लेते हैं, उनकी भी चिंता कम हो जाती है। हंसना स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। कहां तक चिंता करोगे संसार में, ज्यादा चिंता करोगे पैरालिसिस हो जाएगी, बहुत ज्यादा चिंता करोगे बीपी हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा सोचोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। आखिर मर जाने से तो बेहतर है हंस लेना, और हंसने से शुगर भी कम होती है, और हंसने से बीपी नॉर्मल हो जाता है, और हंसने से हार्ट भी कंप्लीट काम करता है, और हंसने से पैरालिसिस भी नहीं होता है। इसलिए हंसने में कुछ खर्च होता नहीं है। गुरुदेव के सत्संग में हंस लिया करो, बीमारियां भी दूर हो जाएगी। संतापाद भ्रष्यति रूपम, संतापाद भ्रष्यति बलम, संतापाद भ्रष्यति ज्ञानम, संतापाद भ्रष्यति व्याधि में इच्छति। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, जो लोग तादाद से ज्यादा चिंता करते हैं उनके शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है। काम करो, चिंता ना करो, हानि हो जाए तो उसको सह लो, गम में न डूब जाओ, गम खा लो। धन खो गया है, तुम नहीं खो गए हो, तुम हो, धन फिर हो जाएगा। जिस दिन तुम खो जाओगे तो धन रहेगा वो भी किस काम आएगा। इसलिए बिजनेस में कभी हानि हो जाए रोया जैसा चेहरा बनाकर मत बैठना, ये सोच लेना ये तो क्रिकेट का मैच है, कभी हार कभी जीत। क्रिकेट खेलने वाली दोनों पालियां हारने और जीतने के बाद गले मिल लेते हैं तो कोई बात नहीं, हार को भी अपने जीवन की बहार बनाओ, और बाहर की हार
असली हार नहीं है, भीतर से जब तुम्हारा मन हार जाता है वो असली हार होती है। इसलिए जिंदगी ऐसे जियो हर दिन त्योहार जैसा, हर सवेरा नई बहार के साथ में प्रवेश हो, और जीवन में खुशियों के फूल खिले रहे। दुकान पर बैठो तो ऐसे बैठो जैसे मंदिर में बैठे हो, मुस्कुरा कर बैठिए, मुरझाया हुआ चेहरा मत रखिए। जब सोने के लिए बिस्तर पर जाइए तो गुरु का नाम लेकर गहरी नींद सो जाइए। और सोने का तरीका भी सीखिए, टेढ़ी मेढ़ी टांगे मत करिए। ज्यादा ऊंचा सिरहाना भी मत लगाइए, उससे बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है, खून का संचालन कम हो जाता है दिमाग में। मीडियम सिरहाना हो, लंबी सांस लेकर 5 बार सांस लीजिए, सांस बाहर कीजिए, फिर विश्राम कीजिए। फुल ऑक्सीजन आपके माइंड को मिलनी चाहिए। यदि बुद्धि की स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हो तो दिन भर में कम से कम 20 बार लंबी सांस खींच लिया करो। कितने लोग तो दिन भर इतना धीरे सांस लेते हैं, उनकी नाक पुनक पुनक करती है। लंबी सांस, भोजन थोड़ा कम खा लिया करो। आलस बिल्कुल मत कीजिए।